अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अनोखी डिश, पहाड़ी चिकन। पहाड़ी चिकन बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन क्यूब्स लिए हैं। एक्चुअली ब्रेस्ट चिकन है, उसको मैंने कट करके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। 3 बड़ी वाली गार्लिक ली है और 1/2 इंच का जिंजर का टुकड़ा लिया है। 1/2 कप मैंने हंग योगर्ट लिया है, यानी कि गाढ़ा दही जिसमें पानी ज़्यादा ना हो। 8-9 हरी मिर्चें ली हैं, मुट्ठी भर पुदीना लिया है, मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है, कुछ पाउडर्ड मसाले हैं, जैसे कि यहाँ पर 1/2 टीस्पून ट्यूमरिक पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून ट्यूमरिक पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 1 टीस्पून चाट मसाला है, 3 टेबलस्पून चने का पाउडर है या बेसन जिसको कहते हैं वो ले सकते हैं आप। 1/2 लेमन की ज़रूरत है मुझे। ये लेमन क्योंकि बड़ा है इस वजह से 1/2 है। अगर आप इंडियन लेमन जो कि छोटा होता है अगर वो लेते हैं तो आपको पूरा 1 लेमन लेना पड़ेगा। 1/4 कप के करीब मुझे ऑयल की ज़रूरत है और नमक जो है वो ज़रूरत के हिसाब से डालना है। अब मैंने करना क्या है, ये चिकन को छोड़कर ये बाकी सारी चीज़ें मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेनी है और उनका पेस्ट बना लेना है अच्छे से। योगर्ट के साथ ही मैंने पूरा पीस लेना है। योगर्ट डालने की वजह से इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। सारा मसाला मैंने पीस लिया है यहाँ पर। चिकन मैंने एक बड़े बोल में डाल दी है। अब उसके अंदर मैंने ये सारा का सारा मसाला जो है वो डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने नमक नहीं डाला है, नमक भी हम डाल देंगे। ज़रूरत के हिसाब से सॉल्ट डाल दीजिए इसके ऊपर, जितना आपको ठीक लगता हो, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो अपने हिसाब से नमक डालिए। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हमने इसको तकरीबन 1/2 से 1.25 घंटा रख देना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मसाला जो है वो अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस ये ऐसे ही मैंने इसको छोड़ देना है। ये लेमन भी मैंने इस मसाले में स्क्वीज़ कर देना है अच्छे से। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन जूस भी इसके अंदर पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। अब जिस वेसल में मैंने पकाना है उसके अंदर मैंने तेल डालना है। जैसे मैंने बताया, इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तेल अब गर्म हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ये जो मैरिनेट करके चिकन मैंने रखा था 2 घंटे पहले, ये मैंने इसके अंदर डालना है बहुत ही संभाल कर। बोल में जो नीचे मसाला रह गया है वो भी मैंने डाल देना है उसके अंदर और इसको हम थोड़ा सा पहले चला लेंगे। क्योंकि मेरा ये जो वेसल है, ये जो बर्तन है, ये स्टील का है तो इसमें बहुत जल्दी नीचे से लग जाता है। मैंने बस इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम रखनी है और इसको मैंने पकाना है। अब मैंने इस चूल्हे की आंच बहुत ही स्लो करनी है और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाना है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं ये चिकन को पकते हुए। ये देखिए अभी इसमें काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया है। मैंने इसको और 15 मिनट तकरीबन पकाना है, या तब तक जब तक ये पूरा पानी सूख ना जाए और किनारों पर तेल नज़र ना आने लगे। इसको पकाते हुए तकरीबन 20 से 22 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसका ढक्कन हटाना है। ये देखिए ये मसाला काफ़ी सूख गया है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल देना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डाल देना है। और अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि इसमें जो जितना भी मसाला भी जो नज़र आ रहा है, जो हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली सूख जाएगा, वरना बाद में ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। ये मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही अलग पहाड़ी चिकन खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको घर पर बनाइए, इसको रोटी के साथ, नान के साथ या पराठों के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत मज़ेदार लगेगी। ये मज़ेदार सी पहाड़ी चिकन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट एंड स्पाइसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।